तो गाइस कैसे हो आप सब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इसने लॉन्ग वीडियो कैसे डाल दी, हमेशा शॉर्ट्स डालता था ये। तो लॉन्ग वीडियो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है कि मुझे 30 किल मारने, वो भी लेजिटली 30 किल मारने। तो वही चैलेंज अभी कंप्लीट करने वाले और तब तक मैं वीडियो डालूंगा जब तक मेरे 30 किल नहीं हो जाते। तो अभी हम इवेंट में उतरे थे और इवेंट में उतर के आप लोगों को तो पता है गन तो घंटा नहीं मिलती है, यहाँ पे गन वगैरह नहीं मिली, लेकिन इतने में दिक्कत हो गई। चलो बेटा कल आना, मेरा टीममेट यहाँ पर नॉक हो गया था, मेरे को लगा रिवाइव कर देता हूँ, लेकिन फिर किल भी तो जरूरी है ना, 30 किल करने हैं तो फिर ये जरूरी है। मैं यहाँ पे हेल्थ मार रहा था क्योंकि मेरे को लगा सामने से बंदे आ रहे, क्योंकि फुटस्टेप तो कंटिन्यू आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन इतने में ये देखो इस बंदे का टीममेट मैंने अभी अभी मारा है और ये बंदा यहाँ पे लिटरली लूट रहा है। अब एक बार मेरे को ये वाली चीज़ बताओ, ये क्या गिलीच है? मैंने यहाँ पे नेड किया, ये वाली चीज़ देखो, मैंने नेड किया और बंदा वहीं पे है, रिवाइव कर रहा है बंदा। भाई क्या गिलीच है, मेरे साथ ही होता है। इन दोनों को यहाँ पे फिनिश किया। अब मेरे को मेरे टीममेट को बचाना था क्योंकि रेंडम्स खेल रहा हूँ ना मैं, तो ये वाला मेरा टीममेट है नंबर 4 जो है, तो इसके साथ ही खेल रहा था, ये मेरे किल करवा रहा था अच्छे से। लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं लूट रहा था तब मेरे को पता लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे दोबारा नॉक हो गया, देख रहे हो, मतलब अभी पहले एक बार अभी रिवाइव किया मैंने इसको और यहाँ पे दोबारा नॉक हो गया। तो इसको बचाने के लिए ना मैं एक प्री नेट कर देता हूँ ताकि वो बंदा अगर पुश करने का सोचे तो वो पुश ना करे। तो इस नेट से बंदा तो बच जाता है, तो मेरे को लगता है कि ये बंदा बच गया तो मैं अपने टीममेट को थोड़ा रिवाइव कर देता हूँ, क्योंकि वो पुश करेगा तो ऑब्वियसली बात है मैं उसे मार दूंगा। क्योंकि ये जो गन है ना छोटी सी, ये जो नई गन आई है, ये गन बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, लिटरली क्लोज रेंज के लिए तो बहुत बीस्ट है ये गन। तो जैसे ही मेरे पास एक मोली पड़ी थी, मैंने अपने बंदे से एक नेट भी ले लिया उधार, तो मैंने पहले एक मोली करी, क्या लगता है चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा यार, नोबिता का मोली है ना। तो मैंने एक नेट भी कर दिया ताकि ये बंदा अगर नॉक होकर कहीं जाए तो वो मर भी जाए। तो मैं आराम से मस्त, ये मरने के बाद ये तो को फिनिश हो गया, फिनिश होने के बाद मस्त इसको लूट रहे थे। इतने में यहाँ पे एक बंदा और आता है, 4 किल मेरे हो चुके थे, मेरे को लगा इसे मार दूंगा 5 किल हो जाएंगे ईजी। मैंने इस बंदे को इतना डैमेज दिया पर मेरे बंदे ने मार दिया। भाई कैसा बंदा है, एक तो 2 बार नॉक हो गया और हरा में किल भी चुरा रहा है बार बार, क्या करूँ मैं अपने टीममेट का, कुछ कर भी तो नहीं सकता, अपना ही जो है। इसलिए मैं यहाँ पे मस्त लूट रहा था, इसे बोल रहा था कि भाई अब किल मत कर, मुझे 30 किल करने। इतने में मुझे ये दिखता है, एक होते कैंपर, दूसरे होते ये, देख लो भाई सब गेट पे लेटा हुआ इवेंट की तरफ घूर रहा है, अबे किसको मारना चाहता है, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत विक्कत है क्या इसके? तो आप लोग सोच रहे हो कि यार इसके अभी तक 5 ही किल हुए, इसके 23 किल कैसे होंगे और ये 30 किल चैलेंज कैसे कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ से निकले इवेंट क्लियर करके, इवेंट पे अब कोई नहीं बचा था, हमारा रिकॉल पूरा बाकी था। यासना में किसी ने समन किया था, मुझे बंदे भी दिख गए, तो मैं यहाँ पे सीधा घुस गया और यहाँ देखो एक नॉक, दूसरा नॉक, तीसरा नॉक। इन बंदों के पास लिटरली सब पे गिली सूट, सब पे AWM, सब पे फुल लूट थी। और इनका चौथा वाला बंदे को देखो, ये चौथा बंदा वही है जो दूध लेने चला जाता है चलते मैच में, जिसकी मम्मी बोलती है बेटा दूध लेके आ जा, मैच बंद कर दे वरना तेरा फोन छीन लूंगी, ये वही बंदा था। अब यहाँ पे जब मैं लूट रहा था तो यासना की तरफ से कंटिन्यूसली फायर आ रहा था, वहाँ पे मेरे बंदे ने बोला कि इस तरफ से कोई फायर कर रहा है, इस तरफ से मार, AWM उठा और उनको चिपका। अब तुम लोगों को पता है मेरी स्नाइपिंग कैसी है, वो बात अलग है, इतनी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ जैसी भी है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने AWM रिलोड करी, अब वहाँ से कंटिन्यूसली फायर आ रहा था, तो मैंने उसको घूर के देखा वहाँ पर पता नहीं मेरे फ़ोन रेंडर ही नहीं कर रहा है, मेरा फ़ोन 6X पे भी रेंडर नहीं कर रहा है, देख रहे हो आप लोग, मतलब मेरे पास 14 Pro Max है, 14 Pro Max तो नहीं है, 14 Pro है मेरे पास। तो उसमें मैं रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदा रेंडर ही नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को ये बंदा दिखता है पट से हेडशॉट। तो मेरे को लगा भाई अगर 23 किल करने ना तो घुसना पड़ेगा, मैं पहले वेट कर रहा था कि नहीं स्नाइपिंग से खेलेंगे, लेकिन अच्छे से मैंने M4 रिलोड करी और ये देखो पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। ये अपडेट यार इतना बुरा भी नहीं है, मतलब कहा जाए ना तो इतना बुरा अपडेट नहीं है। वो स्पाइडरमैन वाला जो अपडेट आया था ना, उसके बाद मेरे को ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। इसके अलावा एक अपडेट और था मिरर वर्ल्ड, वो भी मुझे अच्छा लगा था। अब मेरे को लगा यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन मेरे को वो बंदा पहले खिड़की में दिख गया था, तो मैंने नेट पिन किया और नेट पिन करने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, बोलो भारत माता की जय। एक बंदे को फोड़ा, मेरे को लगा दोबारा फोड़ता हूँ क्योंकि ये पीछे जाएगा नॉक होने के बाद, पर मेरे को लेफ्ट वाली खिड़की में नेट करना चाहिए था, पता नहीं ये कहाँ नेट लग के मेरा वापस इधर ही आ गया, मेरे ऊपर ही आ गया था, देख रहो। मैं जल्दी जल्दी भाग के ऊपर गया शेंजुमिन का यूज़ करके, मेरे को एक कार्ड मिला इसका। ऊपर जाने के बाद मैं फटफट फटफट नीचे उतरा था कि मेरे को किल तो वैसे भी चाहिए ही थे क्योंकि 23 किल करना है। इतने में मेरे को दोनों बंदे यहाँ, एक नो दोनों नो, भाई 23 किल करने ना तो ऐसे घुसना पड़ता है, ठीक है 30 किल का चैलेंज है, मजाक तो है नहीं। अब इन दोनों को मारने के बाद मेरे यहाँ पे 11 किल हो गए थे, मेरे को लगा अब थोड़ा निकलते हैं यहाँ से, आगे जाके मारते क्योंकि रिकॉल तो बाकी है, आराम से आगे जाके मार सकते। इतने में हमारे पास आता है बोट, इस बोट के पास हेलमेट नहीं है फिर भी नहीं मारा, देख रहो मतलब क्या गिलीच है भाई। इसको मारा, इसको मार के जैसे 12 किल कंप्लीट हुआ है, 12 किल कंप्लीट करने के बाद मैंने देखता हूँ भाई 43 की लोबी है, और 43 की लोबी है तो 12 किल चाहिए, 12 किल है अभी, इजी आराम से अगर 18 किल भी मारूंगा 43 में से तो आराम से 30 किल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं यही सोच के फुल अंधा घुस गया क्योंकि मेरे पास रिकॉल तो बाकी था और रिकॉल बंद होने में अभी भी 2 मिनट बाकी थे।
तो मेरे को लगा चलो घुस ही जाते हैं, इससे अच्छा तो क्योंकि मिल्टा में किसी ने समन किया था और मिल्टा में किसी ने मंगाई थी स्ट्रेंथन की। अब स्ट्रेंथन की मंगाई है इसका मतलब बंदा आसपास ही होना चाहिए। तो हम भगते हुए आए और भगते हुए आके जैसे ही हम मिल्टा में घुसे आगे मैं छत पर चढ़ गया क्योंकि अभी अभी किसी ने समन किया और अभी अभी किसी ने पावर मंगाई है तो इसका मतलब बंदे यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं मस्त आराम से कैंपिंग कर रहा था, कोई नहीं बोलेगा कैंपिंग कर रहा था, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है, कैंपिंग कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था अपने बंदे के साथ बैठ के और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि बंदा कहीं तो दिखे कहीं तो मिले क्योंकि भाई ये बंदे इतने कैंपर होते हैं ना, एक तो क्या बताऊँ मैं एस मास्टर पे हूँ, एस मास्टर पे इतनी गंदी लोबी आती है ना, मतलब मत पूछो भाई कितनी गंदी लोबी आती है एस मास्टर पे। अब पीछे से बग्घी आई, मैं बग्घी वाले को मार रहा था लेकिन मुझे और ही मारने लग गया और ये दिखा मेरे को भाई साहब बंदा जिसने अभी अभी समन किया था, ये देखो, और हरामजादे ने मेरे को नोक कर दिया। मुझे इतना गंदा गुस्सा आया ना नोक होने के बाद, मैंने सोच लिया था कि भाई नहीं अब यहाँ पे इस बंदे से बदला लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग अभी मैं यहाँ से जल्दी जल्दी रिवाइव हुआ और रिवाइव होने के बाद मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मैं हेल्थ नहीं मारूंगा, सबसे पहले मैं इस बंदे को मारूंगा। देखो खिड़की में से दिख रहा है हरामजादा सामने लेटा हुआ है, देखो पट से हेडशॉट। अब मैं दोबारा दूसरा बंदा ढूंढ रहा था इसका और दूसरा बंदा भी दिख गया, पट से एक और हेडशॉट हो गया। कितने किलो गए भाई साहब? 14 किलो गए। अब 14 किल करके मस्त यहाँ से लूट उठ के मैंने यहाँ से ग्रोजा उठा ली क्योंकि अगर 30 किल करने हैं तो ग्रोजा होनी जरूरी है। तो इतने में जो बग्घी वाला यहाँ से भागा था ना मेरे को पता था वो रुका होगा और इतने में दिखा मैं सामने बंदा और अब देखो इनके साथ मैं क्या करने वाला हूँ। ये करी एक मोली, ये करी दूसरी मोली और ये करा एक और नेड। तुम लोग किल देखो मेरे को कितने किल मिले यहाँ पे, बूम भाई यहाँ पे आके मेरे को 3 किल मिले, मेरा 12 किल थे यहाँ 15 किल हो गए, देख रहे हो। अब देखो सामने से बंदे भी उठ रहे थे, लेफ्ट में गाड़ी भी आ गई, राइट में भी गाड़ी आ गई, यहाँ भसड़ी भसड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे समन भी हुआ था और ड्रॉप भी आया था तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ गए। तभी मुझे पीछे से पड़ती है, पीछे से पड़ी, मैं यहाँ पे तुरंत लेट गया और मैं देख रहा था कहाँ से पड़ी मेरे को, ये सामने ये बंदा दिख रहा था कि लेटा हुआ है लेकिन ये बाइक थी। तभी मैं यहाँ से सोचा कि पीछे से निकलता हूँ लेकिन पीछे गाड़ी आकर रुक गई तो यहाँ मैं रुक नहीं सकता था, यहाँ से निकला। इतना में ये देखो भाई किसको मार रहे हो, मेरे बंदे को नॉक कर दिया इसने। तो मैं यहाँ पे हीलिंग मारने लगा, मेरे को लगा मैं अपने बंदे को रिवाइव कर देता हूँ क्योंकि यार रिवाइव कर दूंगा तो मेरे को फायदा रहेगा। फिर मेरे को बाद में याद आता है मेरे बंदे का रिकॉल बाकी है तो वो रिकॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेरे को पहले किल चाहिए। तो इसको छोड़ के सबसे पहले बंदों के किल के पीछे भागा और मैं ये आ गया भाई साहब, रिवाइविंग चल रही है, एमो खत्म, दिक्कत हो गई, बच गया। ऐसे कैसे मार देगा इन दोनों को मारा। अरे मैं बहुत पैनिक हो गया था इस जगह पे, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। यहाँ पे हो गया 18 किल, अब मुझे इतने में पड़ती है पीछे से और बंदा देखो कहाँ खड़ा है हराम ज़्यादा, ये देखो पट से हेडशॉट। इस बंदे का नाम याद रखना, ये बंदा दोबारा रिकॉल होकर मेरे मुंह पे कूदेगा, पता नहीं क्या दिक्कत है इस बंदे की। मैं बस यहाँ पे हीलिंग वीलिंग कर रहा था, मेरे बंदे ने इतने में कॉल दिया कि मेरी तरफ भी बंदे थे, अब उसकी तरफ बंदे थे तो मेरे को लगा शायद उस तरफ अलग स्क्वाड आ गई थी जो गाड़ी से आई थी, मेरे को गाड़ी वाले बंदे लग रहे थे। पर बाद में याद आया कि यार गाड़ी वाले बंदे तो ये थे क्योंकि यहाँ पे ये आई है यहाँ पे उड़ने वाला, जो भी बोलते हैं इसको, मैं इसको झुंझुना बोलता हूँ, ये झुंझुना होता है उड़ने वाला, पता नहीं क्या है ये, क्या तो गाड़ी बना दी, पानी पर भी चलती है, हर जगह चलती है ये गाड़ी। मैं बस यहाँ से लूट उठ के जा रहा था, पीछे से मुझे साउंड आता है कि कोई बोट मार रहा है, तो मेरे को देखा बोट, ये रहा बोट, इस बोट को यहाँ पर फिनिश किया। और ये रियल बंदा था भाई, ये रियल बंदा था, रियल बंदा आया कहाँ से पीछे, इसको मारा 20 किलो हुआ। इतने में मेरे पीछे एक बंदा आगे कूद गया और ये वही बंदा था, एक बार पीछे देखो, awesome. ये देखो, बोला था ना इसका नाम याद रखना। शुभम भाई तो अलग ही नशे में भाई, क्या बताऊं, शुभम भाई क्या सोच के आए थे। शुभम भाई के बंदे ने बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ उतर के, यहीं पे आ रहा हूँ, उसी को मार के जाऊंगा। इतने में ही हमारा 30 किल का सफर यही समाप्त होने वाला था क्योंकि आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, हम मिलिट्री बेस आए मस्त क्योंकि बंदे ही नहीं मिल रहे भाई, 11 बंदे जिंदा है, हमें हटा दो तो 9 बंदे जिंदा और मुझे 8 किल चाहिए 30 किल के लिए, 22 किल मेरे हो चुके थे। इतने में यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था कहीं बंदे मिल जाए, पीछे ड्रॉप भी आया था, फ्लेयर भी थी लेकिन कहीं पे बंदा ही नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले फायर आया था। इतने में मेरे बंदे का कॉल आता था कि पीछे पहाड़ पे शायद बंदे आ गए, तो मैंने पीछे पहाड़ पे देखा, पट से हेडशॉट। अब मेरे को लगा भाई घुसना पड़ेगा क्योंकि अगर 30 किल करने हैं तो मारना भी पड़ेगा, मैं सीधा यहाँ से घुसा। इतने मेरे बंदे का कॉल आता कि पीछे ही बंदे थे, यहाँ पे घुसा फटफट, मेरे को किल चाहिए थे यार, काश मैं यहाँ पे ऊपर जाने से पहले ना एक नेड कर देता ना तो लिटरली बता रहा हूँ मैं आराम से यहाँ पे 30 किल मार सकता था। अब यहाँ पे मेरे साथ होता क्या, ये देखो ये बंदा तो रिवाइव हो गया, इसको मैंने नोट किया। इतने में पता नहीं कहाँ से आ गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, मेरे को दिख ही नहीं रहा था। मेरे बंदे ने भी मेरा किल कंफर्म कर दिया, 23 किल कंप्लीट हो गए लेकिन ये बंदा देखो मेरे बंदे को भी नहीं दिखा था जब तक मैंने इसको कॉल नहीं दी थी कि इधर है बंदा।
देख रहे हो 20 किल मतलब जो 30 किल का चैलेंज है ना वो चैलेंज ही रह जाएगा। मेरे को लग रहा ना बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को 30 किल मारने के लिए, क्योंकि लेजिट 30 किल मेरे लिए मारना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी पसंद आती है, तो एक बार कमेंट में बता देना कि मैं इस टाइप की वीडियोस मतलब बनाऊं या ना बनाऊं करके, ठीक है। तो तब तक के लिए एक एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, वैसे भी तो 3K होने वाले अपने, सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी थोड़ी सी चौड़ बढ़ेगी और अपने भी थोड़ा दिखा सकते हैं ना कि यार अपने भी 3000 सब्सक्राइबर्स है, 3000 सब्सक्राइबर्स की अपनी फैमिली है। तो ऐसी वीडियोस अगर पसंद आती है तो एक बार कमेंट में मुझे बताना और लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय एंड ख्याल रखो सब।